हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम हो सो आज देखिए हम पढ़ेंगे पचास वर्ड सीखेंगे एक्चुअली दो रूट वर्ड्स ये सब yes, हमने बिल्कुल सही सुना सिर्फ दो रूट वर्ड्स आपको याद रखने हैं और उससे आपके कहीं ना कहीं पचास वर्ड्स उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इनका मतलब कहीं ना कहीं ये होगा राइट सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी वे फर्दर आई डू सो देखिए पहला हमारे पास जो जो रूट वर्ड है वो है लुक ल्यूक बोल लीजिए ल्यूस बोल दीजिए क्योंकि ये आपके वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाती है सो so, फर्स्ट है हमारे पास ल्युक ओके सो ल्युक जो होता है आपका ये आपका ल्यूसिडस से या फिर ल्यूसियर से निकला है जिसका मतलब होता है शाइन ओके okay, इसको लक्स भी बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है लाइट राइट सो ये आपके अः जो लुक है ये आपका शाइन या लाइट से एक रूट जो रूट पर है हमने डिराइव किया है ओके okay, जो कि ल्यूसिडस जो वर्ड है आपका लैटिन में अब देखिए इसके दूसरे वेरिएंट्स भी है जैसे ल्यूक हो गया आपका खुद ल्यूम हो गया हो हो गया हो गया ठीक है सो अभी हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से यूज किया जाएगा आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग स्लाइड पे हमारे पास सिर्फ अभी फिलहाल छह वर्ड्स और भी हम बहुत सारे वर्ड्स करेंगे तो ल्यूसिड है सबसे पहला वर्ड तो देखिये इसका मतलब क्या होता है गिविंग ऑफ लाइट्स राइट सो so, ये लाइट प्रोड्यूस करता है लेकिन इसका एक और अलग दूसरा भी मीनिंग है जिसका मतलब इजीली अंडरस्टूड अगर कोई चीज ल्यूसिड है तो वो बहुत ही इजीली अंडरस्टूड है आपको बहुत प्रॉपरली उसको समझ में आ गया है आपको चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं है अगर कोई पानी अगर वो ल्यूसिड है तो उसका मतलब क्या है? वो क्लियर है सो so, ल्यूसिड जो है आपका इसका मतलब क्या होता है जिसके ऊपर प्रकाश डाला गया है राइट या तो जो प्रकाश एमिट करता है गिविंग ऑफ लाइट लेकिन ल्यूसिड के दो अलग मीनिंग है जिसका मतलब क्या होता है या तो जो बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड है यानी कि वो बहुत आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ओके एंड थर्ड वर्जन ऑफ सॉरी थर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज क्लियर फॉर लिक्विड आपका राइट तो सरकम का मतलब क्या होता है, around, है ना आगे पीछे बिल्कुल राइट right? इर्द गिर्जी से बोलते हैं Lucid मतलब clear, जो लाइट है राइट right? सो so, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है किसी पे प्रकाश डालना राइट टू पुट लाइट अपॉन समथिंग प्रकाश डालना तो देखिए इसके दो मीनिंग निकलते है. हिंदी में भी अगर आप बात करें सो so इसका मतलब क्या होता है एक तो किसी पे प्रकाश डालना राइट यानी कि लाइट उस पर थ्रो करना लेकिन दूसरा इसका मतलब क्या है कि आज हम इस टॉपिक पे प्रकाश डालेंगे इट मीन कि आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे सो so, इसके दो मीनिंग है जनरली ये इस मीनिंग में ज्यादातर हमारे एग्जाम में आता है राइट नेक्स्ट वी हैव नेक्स्टिडेटिव तो इसका मतलब क्या होता है ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेनेटरी होता है लोगों को एनलाइटन करता है किसी के बारे में बताता है राइट right? सो so, ये दोनों वर्ड आपके कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं ये एडजेक्टिव है कोई भी वर्ड अगर आपका आई बी ई से खत्म होता है राइट right सफेक्ट uh, जो होता है आपका तो वो आपका एडजेक्टिव बनता है ओके नेक्स्ट वी है पेल्यूसेड तो देखिए ल्यूसेड तो इसमें आ गया है पेल्यूसेड राइट सो अगर आप जैसे ये वाला जो इसका मीनिंग था इजिली अंडरस्टूड अगर इस वे से हम बात करें तो इसका मतलब सेम ही होता है इसको इसमें देट इज क्लियर जो इजिली अंडरस्टूड हो जाता है लेकिन अगर हम इसको लिक्विड के तौर पर अगर इसको यूज करेंगे किसी लिक्विड को बताने के लिए तो जनरली आपका ट्रांसलूसेंट के तौर पर यूज किया जाता है ट्रांसलूसेंट क्या होता है आपका जो कि uh, मतलब ज्यादा पूरा एकदम क्लियर नहीं होगा लेकिन पूरा इस तरह से भी होगा कि बहुत ऐसे काला काला नहीं होगा है ना सो ट्रांसलुसिड यानी कि उसके अंदर से कुछ लाइट पास हो जाती है कुछ कुछ लाइट पास नहीं होती तो पेल्यूसिड लिक्विड मतलब काइंड ऑफ लुसिड से थोड़ा कम वो क्लियर होता है राइट right? या फिर इसको टॉपिक के केस में या कोई भी आपके जो अंडरस्टैंडिंग के केस में इसका मतलब होता है क्लियर क्रिस्टल क्लियर राइट नेक्स्ट वी हैव ये काफी अच्छा वर्ड है तो अगर आपके आसपास कोई हार्ड वर्किंग है और जो रात को पढ़ाई करता है रात को काम करता है उसके लिए हम जनरली एलिक्यूब्रेट यूज करते हैं क्योंकि ये जो लुक है ना ये आपका वही लाइट से रिलेटेड है ये वाला वर्ड राइट right? और इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो कि लैंप लाइट में काम करता है राइट right? सो so, पहले के जमाने में आपको पता है कि लोग सिर्फ जब सूरज रहता है तभी वो काम करते थे जैसे ही वो सूरज डूब जाता है तब वो काम नहीं करते थे लेकिन अगर कोई पर्सन लाइट में भी काम करता था तो वो उसको वर्कर माना जाता था इसलिए ये निकल के आया है, Lucent. Lucent आपकी एक बहुत फेमस बुक भी है जो एस एस सी की या फिर कोई भी तैयारी कर रहा है जीएसएस जिस right? so, का मतलब क्या है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है या फिर जो ग्लोइंग होता है राइट सो नेक्स्ट वी है तो देखिए ल्यूसी ल्यूसी ये लाइट है और फॉर्म मतलब बना हुआ राइट right? सो so, ऐसी कोई कोई सब्सटेंस है ऐसा कोई थिंग है जो कि जिसके क्वालिटीज इसके करेक्टर सिक्स किस से मैच होते हैं लाइट से मैच होते हैं प्रकाश से मैच होते हैं नेक्स्ट वी हैव ल्यूसी फ्यूगल तो अगर आप ये वर्ड देख लें जनरली इसको थोड़ा सा कॉकरोच के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो ल्यूसी होते कॉकरोचेस मतलब ल्यूसी मतलब लाइट फ्यूगल किसका वर्ड है फ्यूगस फ्यूगस मतलब flee, भाग जाना यानी कि एक आ, इसका मतलब क्या होता है जो कि अफ्रेड होता है लाइट से जो लाइट से डरता है प्रकाश में नहीं आता और आपको पता है कॉकरोचेस कभी भी प्रकाश में नहीं आते हैं है ना वो जनरली अंधेरे में रहते हैं हम बोल सकते हैं याद कर सकते हैं आप इस तरीके से लूसी फ्यूगस तो देखिए ये दोनों के दोनों आपके एडजेक्टिव्स होते हैं ठीक है कोई भी वर्ड अगर ए एल से या खत्म होता है वो भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं मैंने अभी आपको आई बी वाला केस बताया था एफ यू एल वाला एड्जेक्टिव uh, yes, ही होगा सोल्यूसिव फिगर्स क्या होता है वही ये दोनों का मतलब सेम ही है कि ऐसा, ऐसा कोई एनिमल थिंग दैट इज अफ्रेड ऑफ लाइट राइट जो उसको अवॉइड करते हैं वेम्पायर्स

या लूस जो भी है जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं हम एज पर दर्ड्स तो ये हो गया अब हमारा इसका दूसरा वेरियंट हमारा क्या था ल्यूम है ना सो so, ल्यूम का मतलब क्या होता है लाइट तो इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है जगमगाना राइट इल्यूमिनेशन मतलब किसी चीज में राइट right? तो इल्यूमिनेटिंग मतलब में जो कि प्रकाश डालता है यानी कि यह जनरली अंडरस्टैंडिंग केस में यूज किया जाता है राइट इट वॉज अ वेरी इल्यूमिनेटिंग लेक्चर इसका मतलब क्या है? कि वो लेक्चर इतना अच्छा था कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई

किलोमीटर uh, है मीटर है राइट right? सो so, वैसे लुमिन होता है आपका लाइट को मेजर किया जाता है इसकी हेल्प से नेक्स्ट वी हैव लुमिनायर लुमिनयर क्या होता है लुमिनर इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉनिक लैम्प राइट एक ऐसा लैम्प जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसको हम लुमिनायर बोल देते हैं लुमिनरी काफी अच्छा वर्ड है याद रखिएगा लुमिनरी आप जनरली सुनते हैं कॉन्फ्रेंसिस में या फिर कोई मीटिंग वगैरह होती है तब, so lum, uh, का मतलब होता है देखिए वैसे तो ये लाइट से आया तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है लाइटिंग स्टार ऑफ एन एरिया यानी कि एक एरिया का जो सबसे चमकीला तारा होता है लेकिन अगर किसी फील्ड की बात करें जैसे कोई मेडिकल फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है कोई भी फील्ड है तो वहां पे अगर उसके दिग्गज जो वो आए हुए होते हैं कहीं पर भी तो हम बोलते हैं देर आर मेनी लिमिनरीज

राइट ऑल दीज आर नेगेटिव प्रीफिक्सेस तो इसका मतलब क्या है ऐसी कोई चीज़ जो कि जहाँ पे लाइट नहीं है राइट right? प्रकाशित नहीं है यानी कि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही यानी वो शेडो में है राइट right? अनलाइटेड है यानी अंधेरे में है नेक्स्ट वी हैव लूना सॉरी लून एम्बिलिज्म लून एम्बिलिज्म का मतलब क्या होता है देखिए लून जो होता है आपका ये लाइट है लेकिन लून जो होता है आपका कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड होता है राइट right? मून के लिए भी हम लून यूज करते हैं आपने सुना होगा लूनर कैलेंडर राइट हमारे यहाँ जो लूनर कैलेंडर होता है वो क्या होता है वो जो कैलेंडर होता है आपके यहाँ पे हिंदू जो कैलेंडर फॉलो करते हैं राइट right? ये कार्तिक मास है ये हमारा श्रावण है ये हमारा ज्येष्ठ महीना है है ना तो अलग अलग महीने होते हैं वो कौन से किस पे बेस्ड होते हैं लूनर पे होते हैं राइट सो लूनर कहीं ना कहीं आपका वही लून जो है आपका ये मून के लिए भी यूज किया जाता है वही लाइट के लिए यूज किया जाता है राइट right? सो so, इसका मतलब क्या है कि स्लीप वॉकिंग इंड्यूस्ड बाय मून तो ये जनरली आपके फैंटेसी वाले जो सीरीज होते हैं उसमें होते कि जैसे ही uh, चांद आ गया तो जो वेरवुल्व्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं है ना पूर्णिमा की रात में वो जो वेरवल्व है वो पर्सन uh, की फॉर्म लेते हैं जो भी है आपका राइट right? या फिर वो पर्सन का के रूप लेते हैं मैं थोड़ी अब इसमें कन्फ्यूज हो गई किसका कौन रूप लेता है लेकिन क्या होता है एक ऐसा या कोई भी चीज जो की आपका लाइट को प्रोड्यूस करती है जो लाइट ट्रांसमिट करती है राइट तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लाइट से ही रिलेटेड है तो एटलीस्ट आपके ऑप्शन में अगर कोई ऐसा वर्ड होगा जो लाइट से रिलेटेड नहीं होगा क्लियर से रिलेटेड नहीं होगा राइट साफ क्लियर मतलब या तो अंडरस्टैंडिंग में या क्लैरिटी में सो so, उस केस में आप ऑप्शंस को एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं नेक्स्ट वी नेक्स्टिक ल्यूनाइटिक जो है देखिए इसका मतलब क्या है मून स्ट्रक मून स्ट्रक मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं मून के वजह से पागल हो जाता है यानी कि चांद के पीछे भागने वाला राइट right? उसको बोलते ना ल्यूनैटिक यानी पागल ठीक है सन की इंसान सो ल्यूनाटिक आपने सुना होगा तो ये भी कहीं ना कहीं मून से ही रिलेटेड है नेक्स्ट वी हैव लस्चर लस्चर इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है ना मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लस्चर है आपका हार्डनेस है राइट right, डक्चिलिटी होती है वेलियबिलिटी होती है काफी सारी प्रॉपर्टीज उनमें से एक आपकी प्रॉपर्टी होती है लस्ट लस्ट का मतलब क्या होता है वही जैसे गोल्ड है सिल्वर है कोई भी आप ले लीजिए राइट जितने भी मेटल्स है उनमें कोई ना कोई शाइन होती है चमक होती है है ना चाहे वो स्टील ही क्यों ना लेकिन वुड अगर आप देखेंगे प्लास्टिक देखेंगे जनरली इनके अंदर चमक नहीं होती है अगर आप चमक देख ले तो कहीं ना कहीं वो वार्निश वगैरह कर रखा है राइट उनको सो so, वो अलग से प्रोसेस किया लेकिन एक्चुअल नेचुरल उस जो उनकी जो स्टेट होती है उसके अंदर वो लाइट प्रोड्यूस नहीं सॉरी लश्चर नहीं होता है नॉन मटीरियल में मटेरियल सॉरी नॉन मेटल्स में लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर लश्चर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट या जेंटल लाइट प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट वे ट्रांसलूसेंट ये आपने सुना होगा एक ट्रांसपेरेंट होता है एक ओपेक होता है ट्रांसपेरेंट इज अ सब्सटेंस या फिर ऐसे कोई लिक्विड या जो भी चीज़ है जो कि लाइट को हंड्रेड परसेंट पास होने देता है ओपेक जो बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है ट्रांसलूसेंट दोनों के बीच का कुछ लाइट पास हो जाती है कुछ लाइट पास नहीं होती जनरली आपने देखा होगा आपके घर में जो बाथरूम्स हैं उनकी जो विंडोज होती हैं वो जनरली आपके ट्रांसलूसेंट मिरर uh, की बनी सॉरी uh, ग्लास की बनी होती है तो जो ट्रांसलूसेंट होता है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी uh, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर से लाइट थॉरली पास नहीं होती है राइट right? कुछ पास होती है कुछ नहीं होती है सो दीज आर एक्चुअली ट्वेंटी फाइव वर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन लुक ओके नेक्स्ट वी हैव ओके सो लॉकू बोल सकते हैं लॉकवी बोल सकते हैं तो एक आपका वर्ड होता है लॉकवी राइट right? ये आपका लैटिन वर्ड है और इससे आ, आपका जो वर्ड है वो क्या है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका स्पीक या फिर टॉक ओके सो देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा सरकम लोक्यूशन तो so, देखिए लॉक आ गया आपका उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना वो लूप था राइट और ये लॉक है है ना सो लॉक सर्कल का मतलब ऑल अराउंड अभी हमने किया था और लॉक का मतलब क्या होता है आपका टॉक इसका मतलब क्या होता है कि uh, इतने ज्यादा वर्ड्स यानी कि पूरा वो वर्ड से घिरा हुआ है राइट सो so इतने ज्यादा वर्ड यूज करना कि जो नेसेसरी नहीं होते हैं राइट एंड लॉक मींस टॉक यानी कि इतना पर आना राइट बिना मतलब की बातें करना काइंड ऑफ बोल सकते हैं लोक्यूशन का मतलब क्या होता है लोक्यूशन इज एक्चुअली इज यूजली ये वेरियंट होता है जैसे मैं कैसे बोलती हूँ राइट right? कैसे मैं स्पीच देती हूँ मेरा स्टाइल अलग है आपका स्टाइल अलग है तो जो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे लोक्यूशन राइट लोक्यूशन इज एक्चुअली अ स्टाइल ऑफ स्पीच और वर्बल एक्सप्रेशन नेक्स्ट वी हैव इोक्यूशनरी इोक्यूशनरी का मतलब क्या होता है ये आपका आ, इसका मतलब होता है आपका जनरली लैंग्वेज से रिलेटेड होता है राइट right? इल का मतलब होता है कि अगर कोई आप पे जैसे चिल्ला रहा है राइट right? आपको पता चल रहा है कि वो आपको गुस्सा कर रहा है अगर आपको कोई प्यार से बोल रहा है तो आपके उसकी टोन समझ जाते हैं सो so, इसका मतलब होता है एक एन एनअ्रेंस कुछ बोलना जिससे आपको स्पीकर के इंटेंशन का पता चलता है तो लैंग्वेज में जैसे बहुत सारी लैंग्वेज होती है पॉलिश है या फिर आपकी जो भी यूरोपियन लैंग्वेज है तो वहाँ पर लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड होता है उससे आपको पता चल जाता है कि येस यहाँ से हमें स्पीकर की इंटेंशन पता चल रही है कि वेदर ही इज़ एंग्री द स्पीकर इज यू नो टली टॉकिंग अबाउट समथिंग तो उन सबके लिए हम क्या यूज करते हैं इन लोकेशनरी नेक्स्ट भी है आपका फॉर्मल टॉक राइट इसका मतलब होता है कॉल अच्छा आप कहीं पे भी कॉल देख लें कॉल मीन्स टूगेदर कॉल है कॉन है राइट right? इन सबका इनका मतलब होता है टूगेदर राइट को है कोलेब्रेशन आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा तो जनरली इनका मतलब होता है टूगेदर एक साथ आके हाँ जब लोग करते हैं तो कॉलोक्वी का मतलब क्या होता है कि uh, कोई कॉन्वर्जेशन होना राइट आपस में आके लोग बातें करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कॉलोक्वी नेक्स्ट वी है कॉलक्लिज्मिज्म का मतलब क्या होता है देखिए अब आपके सारे वर्ड्स लॉक से तो आ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ कॉल से भी आ रहे हैं कॉल का मतलब क्या होता है टुगेदर इसका मतलब क्या होता है देखिए जहाँ पे इनफॉर्मल टॉक होती है आपस में ठीक है सॉरी uh, एक ऐसा वर्ड जो कि इनफॉर्मली जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं राइट right? सो so, वहाँ पे कॉलक्यूज कॉलोक्लिज्म uh, का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कनक बोले गेहूँ को राइट right? गेहूं को अगर हम कनक बोलें तो ये शायद हरियाणा पंजाब और वेस्टर्न यू यूपी वाले समझ लेंगे लेकिन शायद ये महाराष्ट्र वाला कनक नहीं समझेगा ये क्या है आपका कॉलक्यूलिज्म यानी कि एक ऐसा वर्ड uh, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से ही यू नो अटैच्ड होता है तो उसको हम कॉलेक्लिज्म बोलते हैं राइट अ वर्ड इज़ यूज्ड इन एन इनफॉर्मल टॉक ओके नेक्स्ट वी हैव कॉलक्वियम कोलक्वियम का मतलब क्या होता है Colloqu कहते हैं ना देयर इज अ अलक्म ऑफ लेक्चरर्स तो इसका मतलब क्या है जो लेक्चरर्स हैं जितने भी इस कॉलेज के सभी के सभी आज उनकी कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है जहाँ पे वो किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो कॉलक्वियम का मतलब होता है अब कॉन्वर्जेशन और टॉक जनरली इट इज रेफर टू मीटिंग्स लेकिन कोलोक्विलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो कि आपके एक रीजन से रिलेटेड होता है ओके सो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम लेकिन दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है टॉक से है देखिए दोनों में टॉक आया हुआ है नेक्स्ट वी हैव सोलिलोक्वी सोली सोल का मतलब क्या होता है अलोन राइट अकेला है ना सोलिट्यूड जब बोलते हैं अकेलापन होता है सोलिट्यूड राइट सो सोलोक्वी का मतलब क्या होता है इसका मतलब टॉकिंग टू वन सेल्फ है ना खुद से बात करना लेकिन जनरली क्या होता है जब भी कोई प्ले होता है अगर आपने कभी का विल्म का विलियम कोई प्ले दिखा कुछ भी होता है तो उसमें स्टार्टिंग में जो एक कैरेक्टर आता है वो सब पूरी ब्रीफ देता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है तो उसको हम सोली बोलते हैं राइट सो इसका मतलब क्या होता है प्ले में जो स्टार्टिंग में आके बहुत जोर से जो बात

हम ऐसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वी हैव ग्रैंडी लॉक सो आपको पता ग्रैंड हो गया अह uh, मेगा uh, या फिर मैग्नम हो गया इन सब का मतलब क्या होता है आपका ग्रैंड है या फिर मेगा है आगे एक वर्ड आएगा आपका राइट right? इन सब का मतलब होता है uh, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना है ना ग्रेट बोल सकते हैं ग्रेट बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना राइट right? इसका मतलब क्या होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पॉम्पसली बोलता है पॉम्पसली का मतलब क्या है बढ़ा चढ़ा कर बोलता है राइट नेक्स्ट वी हैव इंटरलोकेशन इंटरलोकेशन का मतलब क्या होता है इंटर लोकेशन मीन्स टॉकिंग इंटर मतलब टू और मोर राइट दो या दो से ज्यादा चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ होती है उसको हम इंटर बोलते हैं अगर आपने सुना होगा इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स होते हैं एक इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स होते हैं इंट्रा कॉलेज का मतलब क्या है कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इंटर कॉलेज का मतलब क्या हो गया है तीन चार कॉलेज आके वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं वहां से जो स्टूडेंट्स आते हैं राइट सो तो इंटर मतलब एक से ज़्यादा मतलब जो मतलब जो एक से ज्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट करता है उसको हम इंटर बोलते हैं तो इंटरलोक्यूशन यानी कि एक से ज़्यादा लॉक मतलब बोलना यानी ये भी इसका मतलब होता है टॉक राइट right? अब इंटरलोक्यूटिव कौन होता है जैसे आपने देखा होगा कॉन्वर्जेशन एंड डायलॉग है डिबेट है या जो भी है आ, कुछ भी आपका वहाँ पे कॉन्वर्जेशन हो रहा है उसमें अगर कोई पर्सन टेक पार्ट मतलब जो हिस्सा लेता है वहाँ पे बातचीत करता है द वन द पर्सन हु यू टॉक इज एक्चुअली इंटरलोकेट इन अ कॉन्वर्जेशन

Lockature क्या होता है लॉकिचोर एक ऐसा नोट होता है जो कि करैक्टर को बोलना होता है राइट right? एक ऐसा आपको लिख के दे दिया कि ये डायलॉग बोलना है तो नॉट लॉकिचोर नेक्स्ट वी हैव लॉकविंट लॉकविंट का मतलब क्या होता है इनक्लाइन टू स्पीक और आर्टिकुलेट यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको बोलना बहुत पसंद है उसको हम क्या बोलेंगे लॉक uh, बोल सकते हैं या फिर एलोक्ट और लॉकट दोनों एक ही वर्ड है दो, जो इसका मतलब क्या होता है आर्टिकुलेट होता है राइट right? इसका मतलब क्या होता है जो बहुत ज्यादा अच्छे से बोलते हैं एक्सप्रेसिवली बात करते हैं अपनी बात को सामने रखते हैं नेक्स्ट वी हैव है आपके ये uh, टू थाउजेंड में आया था राइट right? इसका मतलब क्या होता है देखिए ऑब मतलब अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट लॉक्वी मतलब बोलना

वेंट्रिलोक्विज्म का मतलब क्या होता है देखिए वेंट्री जो है ना वेंटर से वर्ड आया है ये इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब बैली है तो अर्लियर डेज में जो पुराने जमाने में जब आपके पेट में से जब आवाज निकलती है जब आपको भूख लगी हो या कुछ भी अजीब अजीब बात होती जो आवाज निकलती है तो पहले लोग सोचते थे कि आपके पेट में कोई भूत या प्रेत ऐसे कुछ घुस गया है एंड वो बोल रहा है राइट दे उनको उस टाइम पे मेडिकल का नहीं पता था

गुड़िया के थ्रू बोलता है ना पपेट के थ्रू बोलता है मैग्नी मैंने आपको बोला मैगनम जो होता है या फिर आपका ग्रैंड जो होता है इसका मतलब होता है ग्रेट यानी कि बहुत ज़्यादा मैग्नस देखिए आपका ग्रेट को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब क्या बोल इसका मतलब क्या है बहुत हाई फ्लोन लैंग्वेज है ना बहुत ऊंची ऊंची बातें करना राइट लास्ट वन इज ब्लैंडी लोक सो so, ब्लैंडस जो होता है ये रूट वर्ड है आपका सॉफ्ट का तो इसका मतलब क्या होता है टॉकिंग इन अ स्वीट वॉइस एक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट वॉइस में बात करना इस नोन एज ब्लैंडी लुकविड सो so, ये थे आपके आज पचास वर्ड आई होप आपको आ, कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता चल गया होगा कि दो मेन रूट वर्ड्स से हम कितने सारे वर्ड्स कर सकते हैं तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो मैं और भी इस तरीके से आपके लिए और सेशंस लेके आऊंगी एंड फॉर द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन इंग्लिश विद पूजा टेलीग्राम चैनल एंड you will be get uh, you uh, you will get the pdf okay so thank you so much bye bye and take care